नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबह संध्या। अमीर बनने का सक्सेस मंत्र आज हर कोई ढूंढता है। जल्द से जल्द पैसे कैसे कमा जाए, इसके लिए आम इंसान पूरी जी जान लगा देता है, फिर भी उसको जल्द ही कामयाबी नहीं मिल पाती है। लेकिन इंसान की इच्छाएँ होती हैं कि वो जल्द ही अमीर और ढेर सारे पैसे कमाए। कहते हैं जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, उसको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मेहनत भी करते हैं पर कामयाबी उन्हें जल्दी हाथ नहीं लगती है। इसलिए आज हर कोई अपने भाग्य को आजमाने के लिए नए रास्ते पर निकल पड़ता है। इन्हीं में से एक है सट्टा मटका। सट्टा मटका खेलना गैर कानूनी भी है। सट्टा या जुए खेलने पर जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। लिहाजा कई लोग ये जानकर भी सट्टा किंग में निवेश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। सट्टा किंग ऐसी तरकीब है जिसके बल पर गरीब से गरीब इंसान भी कम वक्त में मालामाल हो सकता है। इस खेल ने रफ्तार उस वक्त पकड़ी जब पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिला था। लोगों की नौकरी भी जाने लगी थी, लेकिन सट्टा किंग पर कोविड-19 का कोई असर नहीं दिखा। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि इस तरह के गेमों को ऑनलाइन के माध्यम से संचालित किया जाता रहा। इसी वजह से लोगों ने कोरोना काल में इसको ज़्यादा खेलना प्रारंभ कर दिया। उस वक्त कई लोगों ने सट्टा के जरिए खूब पैसे भी कमाए। इसी वजह से अब अपनी आय को लोगों ने इसे साधन भी बना लिया है। सट्टा मटका पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है, जिसमें एक अंक पर बाजी लगाकर शख्स पल भर में मालामाल हो सकता है। जिस किसी का भी इसमें रिजल्ट में जादुई नंबर आ जाता है, वो सीधा धनवान हो जाता है। हर दिन किस्मत के खेल में एक लकी विनर करोड़पति भी बनता है। हालांकि सट्टा या लॉटरी खेलों में रिस्क बहुत ज़्यादा है। जितना पैसे आने के चांसेस हैं, उससे कई ज़्यादा गुना डूबने का भी जोखिम हमेशा बरकरार बना रहता है। न्यूज़रूम पोस्ट सट्टा किंग जैसे खेलों को बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए इस खेल में अपने जोखिम पर ही हाथ आजमाएं। फिलहाल 12 सितंबर 2023 के गली दिसावर फरीदाबाद जैसे सट्टा खेलों के परिणाम सामने आ चुके हैं। जानते हैं कि आज के विनिंग अंक क्या रहे। तो गुड लक बैड लक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।